ऐसी स्क्रिप्ट मतलब बहुत ढूंढने में भी नहीं मिलती। जब मैंने इसका 3 पेजर पढ़ा था, 1-2 पेजर पढ़ा था, मैं शॉक हो गया था ये पढ़ के। शायद कई बार किरदार से बढ़ के कहानी होती है, तो मुझे इस कहानी से जुड़ना चाहिए। जब पहले दिन का शूट शुरू हो गया ना, तब मुझे कम्प्लीटली विश्वास हो गया कि ये बहुत ही बिलीवेबल तरीके से ये सीरीज बनने वाली है। मैं अभी इस मोमेंट में बहुत खुश हूँ। बस 10 साल यश राज में काम करने के बाद आपने अपने डेब्यू के लिए इस सब्जेक्ट को चुना, कोई खास वजह? आई थिंक वजह ये चुनने का वजह स्क्रिप्ट था। आई मीन ऐसी स्क्रिप्ट मतलब बहुत ढूंढने में भी नहीं मिलती। आई थिंक जब मैंने इसका 3 पेजर पढ़ा था, 1-2 पेजर पढ़ा था, मैं शॉक हो गया था ये पढ़ के। मुझे लगा कि अगर एक ऐसी कहानी है ये जो इंडिया की इतिहास में एक बहुत ही वन ऑफ द डार्केस्ट नाइट्स इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, पर इसको जो ये कहानी है इसको एक लेंस उस लेंस से देखती है जो होप का नजरिया है, उसको करेज से देखती है, ह्यूमन स्पिरिट से देखती है। तो मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लगा और मुझे लगा कि ये कहानी हमें ऑडियंसिस के पास ले जानी चाहिए। और मुझे याद है, मैं ये कहानी जब आयुष ने मुझे ये कहानी दी थी, मैं आदित्य चोपड़ा जी के पास लेके गया था और जितना मैं एक्साइटेड था को कहानी को लेके, वो भी उतना ही एक्साइटेड थे कि यार ऐसी एक कहानी हमें मिली है जो ऑडियंसेस को इस त्रासदी के बारे में हम बता भी सकते हैं, पर ऐसे नजरिए से बता सकते हैं जो पहले जो ना जो कोई कोई नहीं जानता इस नजरिए को। तो यही खासियत थी कहानी की और इसीलिए मैंने चुनी और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला। तो आपने क्या सोच के इसको हाँ किया, कैसे? नहीं, मुझे तो ये आकर्षित किया कि ये रेलवे मैन की कहानी है। भोपाल गैस ट्रेजेडी की जानकारी मुझे थी कि करेक्ट मैंने भोपाल एक्सप्रेस की थी पहले, जी तो मेरा तो इंटरेस्ट तब जागा जब जब ये समझ में आया कि रेलवे का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, करेक्ट लोगों को बचाने में उनका शौर्य, उनकी जो एक ड्यूटी के बाहर जाकर के काम में जो कुछ किया उन्होंने, वो मेरे लिए बहुत अहम था जब मैंने ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट की थी। और जब मैं पहली बार शिव से मिला, तो शिव ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, तो मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत विश्वसनीय तरीके से बन रही है। हालांकि ये YRF से है, YRF अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा मैं वो था, डाउटफुल था। तो मैंने जब शिव से मिला, फिर स्क्रिप्ट पढ़ा, ऑफकोर्स ये सब मिला मुलों के, जब पहले दिन का शूट शुरू हो गया ना, तब मुझे कम्प्लीटली विश्वास हो गया कि ये बहुत ही बिलीवेबल तरीके से ये सीरीज़ बनने वाली है। और जो कुछ भी बनी है फिलहाल, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त 83 का ज़माना नहीं है, अभी रास्ते नहीं है, स्ट्रीट लैंप नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो जिस तरह से उन्होंने बनाया है सब कुछ, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो, चाहे वो सारी चीज़ें, लाइटिंग डिज़ाइन हो, कपड़े हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको बाकायदा वहाँ ले जाएंगे 83 में। और गैस ट्रेजेडी, जो एक गैस जिस जो अदृश्य चीज़ है जिसको आप दिखाई नहीं देता, उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। तो और हर सेट के अंदर हमेशा मतलब 1,000 से लेकर 3,000 लोग, जूनियर्स यहाँ वहाँ, ट्रेनें बनाना, प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर जो परिश्रम इन्होंने किया है विश्वसनीय बनाने के लिए, वो अद्भुत है मेरे हिसाब से। और मैं बहुत ही मतलब आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, और करने में भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखते हैं शिव हर बात को, चाहे वो पीछे के जूनियर आर्टिस्ट हो या सामने वाले मेन आर्टिस्ट हो, जो भी हो, चाहे वो दीवार का कलर हो या कोई हर चीज़ का, मतलब कॉस्ट्यूम के ऊपर क्या होना चाहिए, बारीकियां बहुत हैं इसके अंदर, और वो परिश्रम आपको दिखेगा जब आप सीरीज़ को देखेंगे। और ज़्यादातर लोगों ने 2 बार देखी है, क्योंकि पहले बार में उनको वो महसूस तो हो गया, बारीकियां समझने के लिए 2 बार देखी हैं लोगों ने, और तब
एक्चुअली सराहना मिलती है उसकी? मैंने अपना काम देखा नहीं, रेलवे मैन एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने देखी, मैंने देखा अपने आप को प्रॉपरली. लेकिन मुझे याद है बाबा जब पान सिंह तोमर का नेशनल अवार्ड लेके आए थे, तब मम्मा ने बोला था इधर आओ, कुछ नहीं उखाड़ा तुमने, बैठ जाओ. देखिए तो मुझे अभी बहुत टाइम है, बट मैं अभी इस मोमेंट में बहुत खुश हूँ. बस सबसे अच्छी बात लगी, सबसे पहले वो इंटेंशन जो होती है एक चीज पे बनाने की, उसके बाद जो एक सच्चाई होती है एक डायरेक्टर की, आपको दिखती है कि हाँ यू नो कोई आपको घुमा नहीं रहा, वो सच सच बात बता रहा है कैसे. फिर मैं जब एफटीआई में पढ़ता था, मेरे क्लास में मेरा दोस्त था चंद्रहास, जिनके पिताजी उस रात भोपाल स्टेशन पे थे, वो रेलवेज के साथ काम करते थे. और उन्होंने भोपाल गैस लीक के दौरान वो हटे नहीं अपनी ड्यूटी से पीछे, और उन्होंने अपनी जान भी गंवाई उसके चलते. तो एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट पर्सनल कहीं ना कहीं एक टच था. तो और फिर जब, जैसा मैंने कहा कि सर जब आपको पता चलता है इंटेंशंस अच्छी हैं एक प्रोजेक्ट बनाने की, फिर मुझे पता चलता है के सर जैसा नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यू नो बोला कि बाबिल, इस कैरेक्टर के लिए बाबिल को सोच रहे हैं, माधवन सर हैं, तो और छोटे से छोटे कैरेक्टर के लिए एक अच्छी इंटेंशन थी कि एक अच्छे एक्टर को कास्ट करने की. तो मुझे ये लगा कि शायद कई बार किरदार से बढ़ के कहानी होती है, तो मुझे इस कहानी से जुड़ना चाहिए. मैं कैरेक्टर से सेटिस्फाई था, जो उसकी जर्नी जहां से शुरू हुई और वो जहां पहुंचा, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें. लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं हो गया कि वो इंसान हमेशा के लिए बदल गया.